नमस्कार फ्रेंड, फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी पावर ग्रिड जो PGCIL करके है आपकी जो भर्ती, उसका रिजल्ट आना बाकी है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि अभी आपका NR2 का जो है रिजल्ट आ चुका है, और NR1, NR3 और NER का जो है अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में जो भी ITI इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, वह क्या है कि फ्रेंड उनको स्किल टेस्ट सीखना है। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले भी वीडियो दी है जिसमें आप लोगों ने देखा है, और मेरे पास जो है कई बच्चे ज्वाइन भी किए हैं स्किल टेस्ट को लेकर। तो आप लोग जो है अगर स्किल टेस्ट सीखना चाहते हैं तो आके यहाँ पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहने की भी व्यवस्था आपको मिलेगी यहाँ पे, और सीखने की भी व्यवस्था आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के रूप में जो है यहाँ पे जो भी आपकी मोटर हैं, जो भी मशीनें हैं, इनको दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा वो किस लेवल पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप देख सकते हैं नीचे मैं एक एक मोटरों को आपको दिखा रहा हूँ, और कंट्रोल पैनल जो भी हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि हाँ हमारा क्या मशीन कैसी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं DC संट जनरेटर जो आपको पैनल में दिया गया है, आप ये पैनल देख सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यह हमारा DC संट जनरेटर को कंट्रोल पैनल दिया गया जिसे ये कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे DC यहाँ पे मोटर जनरेटर जो है AC to DC आपके सामने दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास DC कंपाउंड जनरेटर, और ये आपके सामने यहाँ पे पैनल भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोटर है, और इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे पैनल लगे हैं, जिससे क्या होता है कि ये मोटर को जो है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सारी मोटर जो है आप प्रैक्टिकल में जो है खोल के देखेंगे, और इसमें जो है वायरिंग कैसे होती है, ये सारी जो है आपको वाइंडिंग के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये सारी मोटर जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि DC संट जनरेटर और DC कंपाउंड मोटर। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो है देख सकते हैं कि यह मोटर आप देख सकते हैं, मोटर जनरेटर जो है AC to DC सेट विथ जो है कंट्रोल पैनल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल भी आपके सामने दिया गया है। ये सारे पैनल का काम क्या होता है फ्रेंड, कि इनको मोटरों को जो है कंट्रोल करने के लिए ये सारे पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे कैसे वायरिंग किया जाता है, A1 को कैसे किसके साथ जोड़ा जाएगा, A2 किसके साथ जोड़ा जाएगा, F1 F2 को किसके साथ जोड़ा जाएगा, संट मोटर या फिर DC जनरेटर जो भी कंपाउंड मोटर है, वो सारी जो है यहाँ पे वायरिंग के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल में सही से जो है सीखेंगे नहीं, आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत मेहनत करने के बाद ही आपने जो है पावर ग्रिड में जो है रिटर्न के लिए जो है आप क्वालिफाई हुए हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना कि अब हमें स्किल टेस्ट भी ईमानदारी के साथ करना है, जिससे कि हम उसमें भी क्वालिफाई हो सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं AC स्क्वायरल केज मोटर को हम लोग कहाँ से कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी मोटर पैनल दिया गया है, जो DC to AC मोटर जनरेटर ये सेट आपको कंट्रोल पैनल के रूप में दिया गया है, और इनको सेट यहाँ पे जो है हमारा जो स्क्वायरल केज मोटर होता है, इन्हें हम कैसे यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जो RYB या फिर RYB जो हमारा यहाँ पे आउटपुट इनपुट होता है, इनको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ हमारी मोटरें हैं जो आप देख सकते हैं कि AC टाइप मोटर जो है दिया गया है, उसके बाद सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर दिया गया है, फिर यूनिवर्सल मोटर दिया गया है, AC फेज वाउंड स्लिप रिंग मोटर दिया गया है। तो ये सारी मोटरें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल करने आएंगे तो आपको मोटरें नहीं मिलेंगी, जितनी मोटरें या मशीनें हम आपको हमारे यहाँ मिलेंगी, पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको डेमो के रूप में ये सारी वीडियो दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसको देखें तब आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। बाकी बहुत से बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन यहाँ से आके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि यहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था मैं दूंगा, और आपको यहाँ पे सीखने की व्यवस्था मेरी रहेगी। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल पैनल हैं, आप देख सकते हैं, जो AC सीरीज मोटर को और कैपेसिटर मोटर को, यूनिवर्सल मोटर को, ये तीनों मोटर को जो है क्या करता है, ये कंट्रोल करने के लिए जो है पैनल को जाना जाता है। ठीक है,
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे सारी वायरिंग दी गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देख सकते हैं L1 L2 ये सारी हमारी जो है यहाँ पे कैपेसिटर मोटर को जो है किसके साथ जोड़ा गया है, और रेड या फिर ब्लैक जो वायर होता है किसके साथ जोड़ा जाता है, ये सारी जो है आपको मालूम होना चाहिए। तभी देखिए आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप जो है नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जो भी मोटर होती हैं मशीनें होती हैं हम कैसे उनको जो है वाइंडिंग के बारे में जानेंगे ये सारी चीज़ें, या फिर उनके कैसे कौन से पार्ट कहाँ पर होते हैं। जब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा जो है 5 किलो लोड का जो है यहाँ पर दिया गया है सारा कुछ जो है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सिंक्रोनस मोटर को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, देखिए सिंक्रोनस मोटर को सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है वो 3 फेज में भी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिंक्रोनस मोटर को देखिए यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए सारा कुछ दिया गया है। सिंक्रोनस मोटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यकालिक मोटर बोलते हैं। और सिंक्रोनस मोटर जो होती है फ्रेंड आपको ध्यान देना, 3 फेज जो मोटर होती है वो क्या होती है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए इसमें स्टार्टिंग जो टॉर्क होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं थायरिस्टर जो है यहाँ पे दिया गया है, ये सारी मोटरें आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी IGBT जो कंट्रोल यहाँ पे जो है AC मोटर दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक मशीन जो स्टैंडर्ड दिया गया है, ये आपका 3 फेज ये आपका जो चेंजिंग मोटर होता है ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए जो AC में है, और ये सिंगल फेज है। ये दोनों जो है 3 फेज मोटर और सिंगल फेज मोटर ये दोनों आपके सामने यहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये यहाँ पे ड्रिल मशीन के बारे में दिया गया है, जो पिलर ड्रिल मशीन होती हैं, ये पिलर इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो बिजली के द्वारा चलती हैं। मशीनें भी कई टाइप्स होती हैं जो ड्रिल मशीन होती हैं, कुछ मशीनें हमारी ब्रेस्ट होती हैं, कुछ मशीनें हमारी जो है हैंड ड्रिल मशीन होती हैं, ये सारी मशीनें हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्राइंडर दिया गया है, यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए ये बंच ग्राइंडर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे ग्राइंडर के प्रकार दिए गए हैं, ये हमारी मोटरें हैं, तो ये सारी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हैं, आवश्यक जो उपकरण है, मेरे पास काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो उसको आप दिखाइए, तो ये हमारे पास देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जो है आपके सामने दिए गए हैं, प्लायर जो है, बाकी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट हमारे ये सारे इसमें रखे गए हैं। मतलब क्या है कि अभी जो है बच्चे गर्मी की वजह से जो है अभी आए नहीं हैं, और बहुत जल्द आएंगे बच्चे तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है बाहर निकल जाएंगे जिसे कि आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसे अभी जो है पैक किया गया है, अभी आपको कबाड़ के रूप में लग रहा होगा कि हाँ ये कबाड़ है, लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल पैनल भी आपके सामने दिखाई दिए, और हमारे पास जो है एक नहीं दो दो लैब रखे गए हैं, जिसमें क्या होता है फ्रेंड कि एक लैब में जैसे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम दूसरे लैब में भी बच्चों को एंट्री करा देते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर इत्तेफाक से जैसे कि क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जो है फिर वहाँ पे जो है दूसरे लैब में ले जाते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। तो कहने का यह है कि सारी जो है आपको व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ज्वाइन करिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाकी प्रैक्टिकल के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमारे यहाँ जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल करवाएंगे वो सारे जो है अच्छे और कुशल टीचर हैं, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाएंगे, तो आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी कोई इंक्वायरी के लिए अगर कुछ भी आपको जानकारी के लिए कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट पर जो है संपर्क कीजिए।